हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस धर्म स्थल चैनल में। और आप आज देखेंगे बहुत ही अच्छी वीडियो, जो कि बिलाई बीबी, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि किसी बिल्ली, किसी जानवर का नाम है। और वो उनका मजार कैसे बना, वो प्रसिद्ध कैसे हुई, और वो कैसे काम करती हैं, जन कल्याण में कैसे काम आती हैं, आपको आज जानने को मिलेगा। और बने रहें हमारे इस धर्मस्थल चैनल में, क्योंकि ये दरगाह की सबसे करीबी चैनलों में से एक है। और आपको बिना हिंदू मुस्लिम किए आपको इस पे सभी समुदाय के वीडियो को देख सकते हैं आप। और आपको बताते चलें कि दरगाह में बहुत ऐसी महान शक्तियां हैं जो शैतानी बलाय को दूर करती हैं, जैसे मखदूम शाह बाबा, पहलवान शहीद बाबा, बिलाई बीबी और कमाल पंडित जी, जो कि बहुत ही करीबी मित्र रहे हैं। शक्तियों का निवारण ज़्यादा होता है, शर्म रोग, कुष्ठ रोग, और भी हिंदू शक्ति जो भूत प्रेत होते हैं, डायन, चुड़ैल, पिशाच, ऐसी शक्तियाँ जो भूत बन गई हैं उन्हें वहाँ मतलब निवारण होता है, ख़त्म होता है वहाँ पे। और ऐसे ही जो इस वीडियो में आज दिखाया गया है, विशेषकर उनके बारे में हम बताएंगे आपको। बिलाई बीबी नाम से ही प्रतीत है, किसी जानवर का नाम है, और आप आज उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें हमारे धर्मस्थल चैनल को और बने रहें हमारी इस वीडियो पे अंत तक, देखते रहें। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, मखदूम शाह बाबा जब अपने दरबार में बैठे रहते हैं और उनके यहाँ कुछ मेहमान आए रहते हैं, तो उन मेहमानों के लिए दूध उबाला जा रहा था, खौलाया जा रहा था। तो ऐसे में एक छिपकली दीवार से अचानक दूध में ही गिर जाती है, भाप लगने से, जैसे भी गिरी हो बट वो उसी में गिर जाती है। और ये करामात एक बिल्ली देखती रहती है। उसने अपने दिमाग में सोचा कि यदि ये बाबा के मेहमान खाएंगे पिएंगे तो वो मर सकते हैं, जहर बन जाएगा। तो उसने अपने दिमाग में ऐसी विचारधाराएं लाई और उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो बिल्ली बाबा के बहुत करीब ही रहती थी, हमेशा पास में आके खेला करती थी, उसे देखा जाता था, वह घर में ही रहती थी, महल में ही रहती थी। तो वो क्या करती है, उसी में कूद जाती है। उसके इस दिमाग ने सोचा कि लोग पियेंगे तो मर जाएंगे, और वो उसी में कूद जाती है। सोचती है कि यदि इसमें जहर बन गया होगा तो मैं कूद जाऊंगी तो बच जाएंगे सभी लोग और बाबा की बदनामी नहीं होगी। तो कुछ समय बाद जब बाद में पता चलता है कि अरे, इसमें बिल्ली कूद के जान दे दी, तो फिर लोगों ने सोचा कि ये ऐसे नहीं कूदी होगी। तो ये भी पता चलता है कि इसमें छिपकली कूद गई थी, और ये सबकी जान को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए कूद गई है। और बस मखदूम शाह बाबा ने उसको, उस बिल्ली को आशीर्वाद दिया कि जाओ, ये तुम्हारा जो प्राण त्याग करने की आई है दिमाग में तुम्हारे, ये बेकार नहीं जाएगी, जायज ही जाएगी। तो उन्होंने शक्ति प्रदान किया उसको, उस बिल्ली को, और जो आज सबके जन कल्याण के लिए काम आती हैं। और उसी समय इनको दरगाह के पूर्व दिशा में तालाब के किनारे दफना दिया गया, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर दरगाह से। और सबसे बड़ी बात ये कि इस दरबार में, इस मजार पे जो भी व्यक्ति आते हैं भूत बला से परेशान, वो उनके दुखों का निवारण होता है। हाजिरी नहीं चलती है तो हाजिरी चलने लगती है।
और इनका एक विशेष दिन होता है जो कि शुक्रवार का दिन होता है। बृहस्पतिवार को मखदूम बाबा का दिन होता है, वहाँ का वहाँ विशेष दिन होता है उस दिन। और ऐसी ही महान शक्तियाँ दरगाह में विराजमान हैं जिसे बहुत लोग नहीं जानते हैं और भी। तो आप इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बताते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया आपको, कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता रहेगा दरगाह के बारे में, दरगाह के शक्तियों के बारे में। और यहाँ अदालत लगती है, सबसे पहले मखदूम बाबा की अदालत लगती है जो कि सुबह 4 से 7 बजे तक लगती है। उसके बाद कमाल बाबा के यहाँ लगती है, उसके बाद और जगह फिर लगती है 10 बजे से 12 बजे फिर मखदूम बाबा की। और जिसे जहाँ जाना रहता है वो जाता है, जियारत करता है, हाजिरी लगाता है और उनके ऊपर के जो बलाए होते हैं वो दूर होते हैं, उनके कष्ट दूर होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए ये दुकानें जो लगी हुई हैं ये सब निषाद लोगों की ये दुकानें हैं और मुसलमान भाई की सिर्फ एक दुकान है। जितने भी साइड साइड में खेत हैं सब हिंदू भाई लोग के हैं। और बीच में ये मज़ार है, उसके बगल में तालाब है बड़ा सा, देख रहे हैं आप, देख जैसा कि आप देख पा रहे हैं मज़ार दिख रहा है। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सूना सा पड़ा हुआ है, बट ऐसे नहीं रहता यह दरबार, हमेशा हज़ारों की भीड़ लगा करती है इस दरबार में। देखिए हम चारों तरफ का आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ऐसे बना हुआ है, लेकिन अभी ये 5-6 साल पहले इतना नहीं बना हुआ था जितना बना है। बस एक छोटी सी मज़ार थी और कुछ भी नहीं, क्योंकि पानी भर जाता था पहले, यहाँ तक ऊपर तक भर जाता था। आप भी आएँ इस दरबार में और बैठ के हाजिरी लगाएं, अदालत लगाएं, आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। आप ज़ियारत करें, जब भी समय मिले आपके पास एक बार ज़रूर देखने आएँ ऐसे दरबार को। और सबसे बड़ी बात, हिंदू मुस्लिम दरगाह में सभी लोग आते हैं, ये एक प्रकार का संगम है हिंदू मुस्लिम संस्कृत का, जहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।